हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम और एक टॉपिक और बेहतरीन नॉलेज के साथ हम आपके साथ एक वीडियो लेके आए हैं। और जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको जब नोटिफिकेशन आए वो आप देख पाए। ठीक है, आज एक बहुत बढ़िया नॉलेजफुल आपको वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये अपने पास है फोर्ड फीगो डीजल का ECM पड़ा है, और फोर्ड फीगो का मीटर पड़ा है, और इमो पड़ा है। ठीक है, कस्टमर का ये कहना था जो ताले वाला जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, जैसे चाबी को हम ऑन करेंगे उस टाइम पे ताले वाला लाइट ब्लिंक कर रहा है। देख सकते हैं ताले वाला लाइट अभी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, गाड़ी में भी यही कंडीशन है, और हमने ऑन टेबल टेस्टिंग किए तो फॉल्ट कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। जो क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर, ECM के अंदर, इमो के अंदर कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। फिर भी ये ताले का लाइट गाड़ी पे ब्लिंक कर रहा, ऑन टेबल ब्लिंक नहीं कर रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं ऑन टेबल कुछ भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। लाइट चला गया, स्टिल चला गया, आया 2 सेकंड के लिए आया और उसके बाद ऑटोमेटिक चला गया। गाड़ी के अंदर कंप्लेंट क्या था, जैसे गाड़ी इग्निशन ऑन करेंगे उस टाइम पे जो ताले का लाइट है वो ब्लिंक कर रहा था, कस्टमर का ये कहना था, और उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैकेनिक गए, मैकेनिक जाने के बाद जैसे वो इग्निशन ऑन किए, इग्निशन ऑन करते ही उनको समझ में आ गया भाई इस गाड़ी के अंदर इमो की कोई दिक्कत है। तो हमारे पास लेके आए, लेके आने के बाद हमने पूरा इसके अंदर सारा पिनोट, जो हमारे पास पिनोट रहता है, पिनोट के अंदर हमने सारा कुछ कनेक्शन लगा दिया है। लगाने के बाद देखे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लाइट भी प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर जा रहा है। देख सकते हैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, लाइट आ गया और तुरंत चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बताने का मतलब क्या है, मान के चलो आपकी गाड़ी के अंदर कोई फ्यूज उड़ा है, यानी ECM आपका स्कैन नहीं हो रहा है, उस टाइम पे भी आपका लाइट ब्लिंक करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये ECM के अंदर 2 पॉजिटिव की ज़रूरत है। ये जो ब्राउन जो कलर की वायर है ये भी पॉजिटिव है, और जो ब्लू वायर जो है ये भी पॉजिटिव है। दो में से कोई एक वायर आपकी कट है या डिस्कनेक्ट है, या ECM ऑन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ रहा है, तब भी ये लाइट ब्लिंक करेगा। अभी देखो लाइट कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है। अभी मैं पॉजिटिव को डिसकनेक्ट करता हूँ, अभी मैं डिसकनेक्ट किया, अभी एक बार इग्निशन को बंद करता हूँ, इग्निशन को एक बार ऑन करता हूँ, देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं गाड़ी हमारी इमो प्लस हुई है, इसका मतलब ये भी हो सकता है अपने ECM से, जो ECM ऑन होना चाहिए वो ऑन नहीं होगा, तब भी अपना लाइट ब्लिंक करेगा। ठीक है, अभी मैं ये जो पॉजिटिव है ये भी लगा देता हूँ, देखो पॉजिटिव लगा दिया, चॉकलेट इसके अंदर आ गया, यहाँ देखो चॉकलेट इसके अंदर आ गया। अभी इग्निशन को बंद करता हूँ, एक बार चाबी को निकाल देता हूँ, देखो अभी चॉकलेट आ गया। अभी ECM ओके, मीटर ओके, अब हम समझ सकते हैं गाड़ी इमो प्लस हुई है, या ट्रांसपोंडर गिरा है, या इमो के अंदर कोई ख़राबी है, तब हम समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिस्टम रहते हैं वो हमने अपने को बारीकी से देखना रहता है। सबसे पहले जब भी ऐसा इमो प्लस हो ही है गाड़ी, तो ECM हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या हमारा क्लस्टर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्लस्टर के अंदर कोई दिक्कत है, या हमारी चाबी के अंदर कोई दिक्कत है, ये बारीकी से अपने को देखना रहता है, तभी जाके परफेक्ट काम बनेगा। ऐसा नहीं, ऐसा जब भी लाइट ब्लिंक करेगा इसका मतलब ये है आपकी गाड़ी इमो प्लस हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि फोर्ड के अंदर ECM आपका ऑन नहीं होगा तब भी ये लाइट ब्लिंक करेगा। ठीक है, अभी मैं चाबी लगा देता हूँ, देख सकते हैं लाइट चला गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।